हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। आज मैं लेके आया हूँ ऑल न्यू MZ5 जो कि एक सेडान है और जो कि अभी रिसेंटली ही होंडा वर्ना लॉन्च हुई है और होंडा सिटी लॉन्च हुई है, उसी के कम्पीट में ये MG ने लॉन्च किया है MZ5। तो वीडियो में बने रहे, आज मैं आपको इसका पूरा डिटेल में वॉकराउंड रिव्यू दिखाऊँगा। अभी ये इंडिया में लॉन्च नहीं हुई है, ये आउट ऑफ इंडिया ही मॉडल है। इंडिया में रिसेंटली लॉन्च होने वाली है, न्यूज़ तो आई है, बट देखिए कभी ये लॉन्च होती है इंडिया में। और प्राइस सेगमेंट की बात करें तो ये आपको वरना के रेंज में ही मिल जाएगी, टॉप एंड तक 17 लाख तक ये आपको देखने को मिलेगी। चार मॉडल इसमें आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आपको मॉडल देखने को मिलेंगे सी, डी और डी प्लस और एक्स। चार मॉडल ये इसमें आपको देखने को मिलेंगे। पेट्रोल ये देखने को मिलेंगे, 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन इसमें देखने को मिलेगी। और आगे से देखिए कितनी एग्रेसिव और शार्प लुक है, काफ़ी कूल लगता है ये। एस्टन मार्टिन का इसमें लुक आपको देखने को मिलेगा, या MG के, या आप जैगवार देख लो, उसके बाद मर्सिडीज़ देख लो, सब फीके हैं इसके सामने। अगर ये लॉन्च होगा इंडिया में तो वरना की और होंडा सिटी की तो टाटा बाय बाय हो जाएगी। बात करूँ इसकी कलर की तो ये आपको निक्यूलियर येल्लो में देखने को मिलेंगे, जो कि फरारी उरारी में आते हैं वही कलर आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये इंडिया में लॉन्च हो जाती है तो चार चांद लग जाएगी MG की और तरक्की हो जाएगी और उसका सेल्स और सब कुछ बढ़ जाएंगे। अच्छा टाइम है MG को मूव करने के लिए इंडिया में। ओवरऑल इसके बहुत सारे कलर हैं और ये स्पेशली मैं आपको यही दिखा रहा हूँ, निक्यूलियर येलो। और फ्रंट साइड से आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे, सेंटर में MG के लोगो और नीचे MG के 5। और इसमें 360 कैमरा आते हैं, ADAS इसमें नहीं आएंगे और ना ही फ्रंट में कोई भी पार्किंग सेंसर आपको इसमें देखने को मिलेंगे, ना ही कोई फॉग लाइट आपको देखने को मिलेंगे। और साइड प्रोफाइल आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे। और पीछे टेल लाइट की बात करें तो ये टाइगर की पंजा की जैसे देखने को मिलेंगे, जो कि एक रियर से एग्रेसिव लुक देती है। देखिए काफ़ी कूल लग रहा है। इस साइड से भी आप लुक देखिए तो कुछ इस तरीके की देखने को लगेगी। और यहाँ पे आपको E85 फ्यूल मिल जाएंगे, जो कि इसमें डलवा सकते हैं। फेस 2 इंजन में डलती है, वो फ्यूल इसमें भी डला सकते हैं, तो ये अच्छी बात है इसमें। और ओवरऑल कुछ साइड प्रोफाइल कुछ यही है, वरना की 4.5 मीटर है, इसका 4.6 मीटर है। ये कंपटीशन में थोड़ा आगे है, उससे लंबाई में भी उससे आगे है, जो कि एक मस्कुलर लुक देती है साइड प्रोफाइल से कि गाड़ी कितनी कूल लग रही है। और ये आपको फ्रंट लुक तो एग्रेसिव है ही, और निक्यूलियर येलो है तो और भी एग्रेसिव लगते हैं ये कार देखने में। यहाँ पे आपको सेंटर में MG के लोगो मिल जाएंगे और बूट स्पेस आपको 401 लीटर के देखने को मिलेंगे। छोटे स्पेस हैं लेकिन ठीक ठाक हैं, कुछ आपको बूट इस तरीके को देखने को मिल जाती है। और आपको 360 कैमरा इसमें देखने को मिल जाते हैं, तो वहाँ पे कैमरा और बूट स्पेस आपको कुछ इस तरीके को देखने को मिलेगी। सेडान में मैसिव बूट स्पेस आपको देखने को मिल जाते हैं। और नीचे आपको यहाँ पे टूल किट मिल जाते हैं, स्टेपनी नहीं मिलते हैं, ये डेमो व्हीकल है तो अगर मार्केट में आएगी तो उसमें स्टेपनी मिलेंगे। और बात करूँ इंजन की तो इसमें आपको टर्बो देखने को अभी नहीं मिलते हैं, कहीं MG लेके आए इंडिया में टर्बो इंजन तो और अच्छी बात है, चार चांद लग जाएगी। अभी इसमें आपको नेचुरल एस्पिरेटेड 1.5 इंजन ही देखने को मिलेंगे, डबल BBT इंजन टेक्नोलॉजी के साथ ये आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कुछ इस तरीके की यहाँ पे DBBT मतलब डबल BBT आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। पेट्रोल में ही आती है, डीजल नहीं आती है इसमें, ना ही टर्बो आती है। अगर इंडिया में लॉन्च होती है टर्बो में तो वरना की खेल ख़त्म हो ही जाएंगी। तो ओवरऑल इंजन के कुछ यही लुक थे। माइलेज की बात की जाए तो इसमें आपको 15-16 की कंपनी क्लेम करती है, अब देखिए एक्चुअल में कितना निकल के आता है। MG है तो माइलेज तो होंगे ही मिला जुला के ठीक ठाक। ये आपको फ्यूज बॉक्स देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको बैटरी प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल यही कुछ थे साइड प्रोफाइल, कुछ आपको इतने AG और कर्वी देखने को मिलेंगे, बहुत सारे शार्प इसमें बने हुए हैं जो कि एरोडायनामिक्स को देखते हुए बनाई गई है। और लुक तो अल्टीमेट आ ही रहा है, पीछे आपको ये पंजा देखने को मिलते हैं तेंदुआ वाले। और ये इंटीरियर में कुछ इस तरीके की व्यू आएंगे डैशबोर्ड की, बात करूँ टेल लाइट की तो ये देखिए पंजा वाले टेल लाइट इसमें डिज़ाइन दिए गए, जैसे लग रहे हैं तेंदुआ के पंजे हैं और तेंदुआ ने पंजे मार रखे हैं, एकदम एग्रेसिव
टेल लाइट डिज़ाइन इसका यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे MG5 के बैजिंग देखने को मिल जाएंगे। टेल लाइट तो आपको दिखाई दिया, टेल लाइट ही इसके पीछे से काफ़ी एग्रेसिव है, जो कि मुझे कुछ ज़्यादा ही इंतज़ार है। और ये आपको लिप देखने को मिल जाएंगे ग्लोसी ब्लैक में, सेंटर में MG के लोगो। और इस साइड से आपको फ्यूल टैंक इधर देखने को मिलेगी, और नीचे आपको स्पॉयलर देखने को मिल जाएंगे, दो रिफ्लेक्टर भी इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, और दो पार्किंग सेंसर आपको इसमें देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल रेड साइड से कुछ यही लुक थे। बात करूँ अगर टायर साइज की, तो इसमें आपको 215/85 R17 के टायर इंच देखने को मिलेंगे, और डायमंड कट इसमें आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन इंडिया में लॉन्च होगी तो एक इंच कम हो जाएंगे, 16 इंच के यहाँ आपको इसमें टॉप वेरिएंट में अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं। ये इंटरनेशनल वेरिएंट है, इसलिए आपको इसमें 17 इंच के देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक और पीछे भी डिस्क आपको देखने को मिलेंगे। और ये देखिए क्रोम ट्रीटमेंट आपको देखने को मिलती है आगे से लेकर पीछे तक, और सार पेज आप देख ही रहे हैं कितने सारे सार पेज आपको इसको देखने को मिल रहे हैं। लेंथ मैं बता ही दिया, 4.6 मीटर देखने को मिलेगी। ऊपर आपको सनरूफ देखने को मिलेगी, हर इंडियन की चाहत होती है कि उनकी गाड़ी में सनरूफ हो, तो उसको देखते हुए भी MG ने सेडान में बड़े से सनरूफ दिया है। और यहाँ पे आपको विंडो गार्निश देखने को मिल जाएंगे ऊपर में, काफ़ी लोग इसको देख रहे हैं, भीड़ जुटे हुए हैं इसको देखने के लिए ही ओवरऑल। और विंडशील्ड आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगी, डुअल वाइपर डुअल वॉशर के साथ आपको इसमें देखने को मिल जाती है। इसमें कोई भी एडास आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ओनली 360 कैमरा देखने को मिल जाएंगे। और इसकी फ्रंट साइड ग्रिल कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेगी, और MG ने इस ग्रिल को डिजिटल बर्निंग ग्रिल कहा है, इसे नाम दिया गया है, इस ग्रिल से ये जानी जाती है। तो कुछ इस तरीके के एग्रेसिव लुक आपको देखने को मिलेंगे पूरे इस साइड से इस साइड एज टू एज, और नीचे आपको सेंटर में क्रोम भी देखने को मिल जाती है। फॉगलाइट इसमें नहीं आते हैं, आगे लिप आपको देखने को मिल जाएंगे छोटे से, ग्राउंड क्लियरेंस वरना ही इतना आपको देखने को मिलेंगे, और सेंटर में बड़े से MG की लोगो तो आपको देखने को मिल ही रहे हैं। और लाइट सेटअप भी आपको वाइट LED प्रोजेक्टर देखने को मिलते हैं, DRL भी इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं, और चारों डिस्क आपको इसमें देखने को मिल जाएगी इस वेरिएंट में। बात करूँ साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल देखिए आपको बॉडी कलर भी ORBM देखने को मिलेंगे, और डोर हैंडल भी आपको दोनों बॉडी कलर ही देखने को मिलेंगे, कहीं पे भी ब्लैक ट्रीटमेंट उतना यूज़ नहीं किया गया है। और इसमें चारों आपको डिस्क देखने को मिलते हैं, और बी पिलर भी आपको ब्लैक आउट देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे डोर हैंडल पर शायद कोई रिक्वेस्ट सेंसर इसमें नहीं दिख रहा है मुझे। और इंटीरियर कुछ आपको इस तरीके को देखने को मिलेंगे, वहाँ पे उस साइड देखिए आपको डायमंड टेक्सचर देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक अल्टीमेट व्यू प्रोवाइड करती है कार को। और डैशबोर्ड भी काफ़ी चौड़े हैं, क्योंकि इसकी विर्थ भी अच्छी खासी है, वरना से ज़्यादा शायद विर्थ है। यहाँ पे हार्ड टॉप आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे सॉफ्ट टच या रेड टच आपको देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो देखने को मिल जाएंगे, और डोर हैंडल भी सिल्वर कलर की देखने को मिल जाती है। और सेडान है तो ये देखिए गेट ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके की इतनी चौड़ी सी व्यू आएंगे आपको देखने में, जो कि सही में एक मार्केट किंग हो जाएगी अगर ये लॉन्च कर दी। और ये सीट आपको 6-way इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट देखने को मिलेंगे, रिक्लाइनर सब कुछ, लेदरेट आपको देखने को मिलेगी, और आर्म सपोर्ट और लेग सपोर्ट काफ़ी अच्छे इसमें देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आपको स्टेयरिंग व्हील डी कट देखने को मिल जाते हैं, फ्लैट बॉटम सनरूफ कुछ इस तरीके को देखने को मिलेगी, बड़े से सनरूफ आपको इसमें मिलते हैं। और वहाँ पे आपको फुली डिजिटल स्पीडोमीटर, और यहाँ पे आपको दो पैडल मिलेगी ऑटोमेटिक गाड़ी, और डेट पैडल भी इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ से आगे का हुड ओपन और फ्यूल लीड ओपन करने के लिए दो बटन आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे ORBM एडजस्टिंग और लाइट लेबलर आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ स्टार्ट स्टॉप बटन, उसके ऊपर AC वेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। और स्टेयरिंग व्हील भी काफ़ी स्पॉटी है। आइए मैं अंदर बैठ के आपको डैशबोर्ड दिखाता हूँ। तो ये देखिए डैशबोर्ड पर काफ़ी सारे एज आप बने हुए हैं, और यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर टाइप के टेक्सचर दिए गए हुए हैं ये डैशबोर्ड पे। और ये भी आपको हार्ड देखने को मिलेंगे, ये टेक्सचर आपको देखने को मिल जाती है, जो कि कहने एक अच्छा व्यू देती है। और यहाँ पे आपको 10 इंच के इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाएंगे,
जो कि आपको ब्लूटूथ वगैरह सब कुछ सपोर्ट करती है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ सपोर्ट करती है। अगर इंडिया में लॉन्च करती है तो कहीं एम जी हेक्टर की तरह 14 इंच के बड़े डिस्प्ले ना दे दे, लेकिन ये भी अल्टीमेट लुक प्रोवाइड कर रही है गाड़ी को। बात करूँ इसकी 360 व्यू की तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कितने क्लियर इसमें आपको देखने को मिलते हैं। अभी तो इसमें बहुत सारे फीचर मिलते हैं अदर लैंग्वेज में, इंडिया में आएगी तो मैं डिटेल में वर्कअराउंड रिव्यू आपको इस पर ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। तो ये देखिए इसका 360 कैमरा कुछ इस तरीके को देखने को मिलेंगे आपको, चारों साइड से व्यू अल्टीमेट है, ना कोई लैग है ना ही कुछ एरर, एक नंबर व्यू आ रहे हैं इसके। तो एम जी तो कैमरा को सुधार दिया है, हेक्टर में भी बहुत अच्छे कैमरे क्वालिटी कर दिए हैं, इसमें भी अच्छे क्वालिटी दिख रहे हैं। तो एम जी भी काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है इस सब मामले में, पहले इसके कैमरे काफ़ी गंदे हुए करते थे, जो कि आपको ये देखिए 3D कार बन के भी आ जाते हैं, ये कुछ आपको ऑप्शन वगैरह देखने को मिलेंगे। और ये आपको स्पीडोमीटर कुछ इस तरीके की इतनी बड़ी सी देखने को मिलेंगे, बीच में इतने बड़े से डिजिटल आपको देखने को मिलेंगे MID, और साइड में आपको स्पीड देखने को मिल जाएगी, नहीं सॉरी RPM देखने को मिलेगी, और लेफ्ट साइड में आपको स्पीड देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर वार्निंग लाइट देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल, ये लाइट रिलेटेड कंट्रोल आपको लेफ्ट साइड में लीवर देखने को मिलेंगे, और क्रूज़ कंट्रोल भी इसमें देखने को मिल जाएंगे। इंडिकेटर वगैरह आप यहीं से दे सकते हैं, इसका उल्टा होता है, लेफ्ट साइड में आपको लाइट वगैरह देखने को मिलेंगे, लाइट में इंडिकेटर, और यहाँ पे आपको कुछ इंफोटेनमेंट रिलेटेड कंट्रोल मिल जाएंगे, सेंटर में MG के लोगो, और यहाँ पे स्पीडोमीटर के कंट्रोल आपको देखने को मिलेंगे। और बात करूँ स्टीयरिंग, तो स्टीयरिंग आपको टिल्ट देखने को मिलेगी, टेलीस्कोपिक इसमें नहीं देखने को मिलेंगे, और सनरूफ के कर्टन आपको कुछ इस तरीके को देखने को मिल जाते हैं, वन टच सनरूफ डाउन और वन टच ओपन है, काफ़ी वाइड रेंज में ओपन होती हुई आपको दिखेगी। और रीडिंग लाइट आपको येलो देखने को मिलेगी, यहाँ पे सनग्लास होल्डर देखने को मिलेंगे, IRVM आपको मैनुअल ही देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक नहीं देती है इसमें, और यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर वगैरह देखने को मिल जाते हैं, यहाँ AC वेंट आपको देखने को मिल जाएंगे, बीच में हैजार्ड के बटन, और ये आपको डायमंड टेक्सचर देखने को मिलेंगे, जो कि एक अल्टीमेट चार चांद वाली व्यू देती है, और यहाँ पे आपको हार्ट टच देखने को मिल जाएंगे, और ये आपको लीवर देखने को मिलेंगे ऑटोमेटिक के। तो ओवरऑल यही थे, आइए मैं कार के रियर साइड में लेके चलता हूँ, तो रियर साइड कुछ इस तरीके आपको देखने को मिलेंगे, लेग स्पेस थोड़ा वरना से आपको कम मिलेंगे इसमें, लेकिन ये सब इग्नोर करती है लुक के आगे, और पीछे भी आपको लेदर सीट देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको सेंटर पे AC वेंट देखने को मिलेंगे, मोबाइल चार्जर भी मिलेंगे, छोटे से हम्प आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, और सीट में पॉकेट भी देखने को मिलेंगे, यहाँ हार्ड टच, यहाँ आपको सॉफ्ट टच, यहाँ रेड टच, और पावर विंडो और डोर ओपनर आपको देखने को मिल जाते हैं। और रियर साइड से कुछ फ्रंट साइड की व्यू इस तरीके की आएगी आपको जब आप पीछे से बैठ के कार को देखोगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।